सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम दीपक भैया। आई टीच फिजिक्स एट बीएमसी एनएसपी सेंटर। सो आई डिड माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड माय रैंक वाज 520। ठीक है, तो आई स्टडीड इन बीएमसी ओनली। तो लेट अस बिगिन विद आर 2020 मेंस रिवीजन ऑफ गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स वाला। ठीक है ना, तो मैं पहले एक आउटलाइन दे देता हूँ कि आज क्या होगा। तो ध्यान से सुनना कि ये जो आपका सेशन होगा ये 60 से 90 मिनट्स के बीच का कुछ होगा। इसमें हमें क्या करना है बच्चा, इसमें हमें ये करना है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो 2019 और 2020 में एक एजेंसी एनटीए जो एजेंसी बना रही है पेपर, उनके दिमाग को समझना है। उनके दिमाग को समझने का क्या मतलब कि वो कौन से क्वेश्चंस उठा रही है, कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन उठा रही है, क्या पूछना चाह रही है, वैसे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। समझ में आ रहा है? पुराने साल के नहीं लिए मैंने, 2019 और 20 के लिए लिए हैं यार, जो एनटीए बना रही है। आपको सबको समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछ रही है। वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा करवाना चाह रही है या कंसेप्ट्स में ज़्यादा घुस रही है या फॉर्मूले में ज़्यादा घुस रही है। तो मैंने ये सब किया है, तो मैंने हमारे इस चैप्टर को हेडिंग्स में बांट दिया। उन हेडिंग्स को मैं आपको बताऊंगा, उनमें यूज्ड फॉर्मूलेस बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अंदर ज़्यादा नहीं घुस रही है थ्योरी में, ज़्यादातर ये फॉर्मूलों पे ही घूम रही है। मेंस का पेपर है तो ज़्यादा डेरिवेशन वेरिवेशन में नहीं घुस रही है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला लगवा रही है, आपसे आंसर निकलवा रही है। समझ में आ गया? तो वही हम करेंगे यार। तो ये समझने से पहले एक बार सीन समझ लेते हैं, सीन क्या चल रहा है। सीन बच्चा सिंपल है, 2019 जनवरी, 2019 जनवरी 14 क्वेश्चन गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स का बता रहा हूँ, सारे सेट्स मिला के। 2019 अप्रैल 17 क्वेश्चन, 2020 जनवरी 13 क्वेश्चन, सारे सेट्स मिला के। क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि सर हर पेपर पे ऑन एन एवरेज दो क्वेश्चन तो है ही। दो क्वेश्चन का मतलब 8 नंबर, जिसे नहीं आता वो भी करता है, -2 नंबर, 10 नंबर। 10 नंबर का डिफरेंस सिर्फ एक चैप्टर से, एक चैप्टर से 10 नंबर का डिफरेंस। आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ये कितना ही इम्पोर्टेंट है यार, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर पे मैं बता नहीं सकता कितनी रैंक मिलेगी। मैं मीन्स का नहीं, मैं आपको एडवांस का ही आइडिया दे देता हूँ कि मेरे 302 नंबर थे, मेरी 520 रैंक थी, और जो मेरा रूममेट था उसके 304 नंबर थे, उसकी 499 रैंक थी, और एक और दोस्त था हमारा उसके भी 304 थे, उसकी 480 रैंक थी यार। 40 रैंक 2 नंबर पे थी, 40 रैंक। ड्रीम बदल जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी लाइफ टाइम के लिए। समझ में आ रहा है? तो 10 नंबर को तो मजाक नहीं लेंगे, और इजी है, मैं दिखाऊंगा अभी। तो हम क्या पढ़ेंगे? मेनली आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और मेनली आपका थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ गया? चलो चालू करते हैं यार। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसमें जो मेन हेडिंग है जो आप लोगों को याद रखनी है, पहला है वेलोसिटी एनालिसिस। सबने वेलोसिटी एनालिसिस कर रखा है, मैं वेलोसिटी एनालिसिस बताने नहीं बैठा यहाँ पे। मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी एनालिसिस में मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स क्या है, फॉर्मूले क्या है जो आपको यूज होंगे। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम का गेम कर रखा है, सबने, सबको पता है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक लीनियर, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, अभी सब कर लेंगे। एनर्जी एनालिसिस, एनर्जी एनालिसिस, हाँ जी, गैसेस, बस केटीजी में 5-6 फॉर्मूले थे, याद है, 5-6 पॉइंट्स थे। वो पॉइंट सबको याद होना चाहिए कि सर आप हमेशा आइडियल गैस की बात करते हो। आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगता है, जिसके गैस मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते हैं, जिसके गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में होती है, इस सारी एनर्जी को आप इंटरनल एनर्जी कहते हो। ये सब तो यार पॉइंट्स दिमाग में है कि अगर चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिखेगा मैं तो टिक कर दूंगा सर। आप ये समझ बताओ, आप ये बताओ कि क्वेश्चन क्या आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, जीरोथ लॉ, 4 साल में 5 साल में एक क्वेश्चन, सिस्टम सराउंडिंग्स, ये सब ठीक है यार, सबको पता है, ये तो टिक कर ही दोगे। फर्स्ट लॉ, उसके प्रोसेसेस, इस पे क्वेश्चन है। ग्राफ्स, भाई साहब, स्पेसिफिक हीट, मिक्सचर ऑफ गैसेस, साइक्लिक प्रोसेसेस, कार्नट, ये तो भाई ये लो स्टार, मीन फ्री पाथ इसको भी लो स्टार, और टाइम ऑफ कोलिशन इसको भी ले लो स्टार। ये तो पागल हो गए हैं यार, पागल हो गए हैं इन तीनों टॉपिक के लिए। तो 7th 8th 9th, जिसने भी 2019 और 20 के पेपर देखे होंगे वो समझ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसके लिए तो पागल हो रखे हैं ये लोग,
कि भाई टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता है, जैसे क्या हो गया भाई टाइम ऑफ कोलिजन, अचानक से एक फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, ये उसी पे पूछे जा रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, चालू करते हैं, जल्दी से रिवाइज करेंगे थोड़ा। वेलोसिटी एनालिसिस में क्या होता है, वेलोसिटी एनालिसिस जल्दी से, तीन डब्बे हैं, तीनों डब्बों को भरना है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है सर, सबको पता है, 3 RT/m का अंडर रूट। एवरेज स्पीड क्या होती है, 8 RT/πm का अंडर रूट। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, 2 RT/m का अंडर रूट। रूट मीन स्क्वायर, अगर चार वेलोसिटी दे रखी होंगी चार मॉलिक्यूल्स की, निकालना आना चाहिए, पहले स्क्वायर करते हैं फिर मीन करते हैं फिर उसका रूट करते हैं, उल्टा होता है। अगर ध्यान से देखोगे, लगे भी हुए हैं कि रूट मीन स्क्वायर सबसे ज़्यादा होता है, फिर एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होती है, फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। सबको समझ में आ गया, ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, इतनी बार यूज़ कर लिया, केमिस्ट्री में भी कर लिया। तो सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एवरेज है ना, ये एक तरीके की स्पीड होती है, क्योंकि KTG में पूछा है कि एवरेज मोमेंटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू जीरो, तो वो वेलोसिटी होती है अगर डायरेक्शन के साथ लेते हैं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये एवरेज हो जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको। चलो ये समझ में आ गया, तो ये देखो लो क्वेश्चन 2019 अप्रैल, लो, फॉर अ गिवन गैस एट 1 atm प्रेशर, RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 200 m/s एट 127 डिग्री सेल्सियस। 2 atm प्रेशर पे और 227 डिग्री सेल्सियस पे RMS स्पीड कितनी होगी? बच्चा 2 atm प्रेशर धोखा देने के लिए दिया है, धोखा देने के लिए दिया है, धोखा देने के लिए दिया है। क्यों धोखा देने के लिए दिया है, कि जो सर वी RMS होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। आप प्रेशर चेंज करोगे तो आपका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, तो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, तो आपका उसका रिलेशन कभी नहीं आता, कभी भी रिलेशन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का रिलेशन आता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1/T2 कर सकता हूँ। V1 कितनी दे रखी है, 200, उस पर कितनी हो जाएगी पता नहीं, उस पर कितना टेम्परेचर था, 127 400, बिल्कुल 227 500, बिल्कुल की पार हाफ 400 500 के 0 0 कट गए, तो V जो बचेगा वो बचेगा 200 √5/√4 को लिख दिया 2, V जो बचा वो बचा 100 √5 m/s। भाई डिफिकल्ट लगा क्या, 2019 का अप्रैल लो, बस ये था कि यार प्रेशर पे रिलेशन नहीं रहता, ये यही चीज़ें हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, प्रेशर पे रिलेशन नहीं रहता। समझ में आ गया सबको, यही क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक क्या होता है, एक एटम का गैस, डाई एटॉमिक दो एटम, पॉली एटॉमिक क्लीनर कैसे दिखता है देख लो, वैसे तो ये आप लोगों का बनाने के लिए था, मैंने छोड़ रखी थी जगह, लेकिन चलो ठीक है। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर कुछ ऐसे ही दिखेगा सर, मोनो एटॉमिक, चालू करो यार डिग्री ऑफ फ्रीडम मन में। मोनो एटॉमिक की सर ट्रांसलेशन की होती है 3, रोटेशन की होती है 0, इसकी ट्रांसलेशन की होती है 3, रोटेशन की होती है 0, इसकी ट्रांसलेशन की होती है 3, रोटेशन की फिर से 0 2, और इसकी ट्रांसलेशन की होती है 3, और रोटेशन की भी होती है 3, रोटेशन की भी होती है 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक 3, डाई एटॉमिक 5, पॉली एटॉमिक लीनियर 5, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर 6, बिल्कुल सही बात है, इतना आपको पता है मेरे लिए भी काफ़ी है सर। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे आएगा, आगे आएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, आगे कराऊंगा, अभी टेंशन नहीं, पहले यहाँ तक करो जो करा रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बहुत सही चल रहा है अभी। चलो एनर्जी एनालिसिस, एनर्जी एनालिसिस जो मैं लिख रहा हूँ, मैं एन मोल्स के लिए लिख रहा हूँ, एन मोल्स के लिए लिख रहा हूँ बच्चा, और एन मोल्स के लिए लिख रहा हूँ, घर पे जाके एक मॉलिक्यूल का भी तुम निकालोगे और एक मोल का भी निकालोगे, एन को वन डाल दोगे आ जाएगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं, R/NA, एवोगैड्रो नंबर, कुछ कुछ याद होगा क्लास में करवाया, ध्यान से देखना। मोनो एटॉमिक 3/2 nRT टोटल, उसमें से 3/2 nRT ट्रांसलेशन की, रोटेशनल की 0, रोटेशनल की 0। डाई एटॉमिक टोटल 5/2 nRT, उसमें से 3/2 nRT किसकी,
भैया ट्रांसलेशन की, 2/2 NRT किसकी, रोटेशनल की, 5/2 NRT किसकी, टोटल पॉली एटॉमिक लीनियर, 3/2 NRT किसकी, ट्रांसलेशनल की, फिर से 2/2 NRT किसकी किसकी, रोटेशनल की, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, जल्दी से भरो फिर कर दूंगा। हाँ जी 6/2 NRT, बिल्कुल सही बात है सर। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इक्वल एनर्जी होती है। कराया हुआ यार सब क्लास में, लेकिन उनको इन सब से मतलब नहीं है। इक्विपार्टीशन ऑफ लॉ आपको पता है, यानी उन्हें इससे मतलब है इस टेबल से। ये टेबल पता होना चाहिए आप लोगों को यार, दिस टेबल इज डैम इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया, क्लियर है सबके लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, आ जाओ क्वेश्चन 2019 का जनवरी, NTA का ही पेपर है सब। 2 kg ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज एट प्रेशर, इतना इतने प्रेशर पे है, डेंसिटी ऑफ गैस दे रखी है, हमसे पूछा है कि एनर्जी कितनी है उसकी थर्मल मोशन की वजह से, टोटल एनर्जी कितनी है। सर मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक की जो एनर्जी होती है वही इंटरनल एनर्जी होती है, वो होती है 3/2 NRT। सर अगर आपकी आइडियल गैस है जो आप मान रहे हो तो 3/2 PV भी लिख दो ना, 3/2 P दे रखा है। हाँ सर दे रखा है, कितना, 4×10⁴। वी निकाल सकते हैं, वी होता है सर मास बाय डेंसिटी, तो हो गया 3/2×4×10⁴। मास है 2, डेंसिटी है 8, आंसर आ गया 3/2×10⁴। आंसर है 10⁴ जूल। ऑर्डर पूछा है तो यहीं तक छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ परफेक्ट आंसर कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा मेंस वालों से, उन्होंने छोड़ दिया परफेक्ट आंसर देना, कभी डेसिमल, कभी अप्रॉक्सीमेट, कभी ये कभी वो, बस कैलकुलेशन करने में रह जाओ। समझ में आ रहा है तो अपना निकालोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे सर यही है, 10⁵ कोई नहीं कर देगा इसको, ये 1.5×10⁴ है, तो 10⁴ है इसका ऑर्डर। समझ में आ गया, चलो फर्स्ट लॉ अब आया, गेम चालू करते हैं। फर्स्ट लॉ, लेफ्ट साइड इंटरनल एनर्जी, राइट साइड हीट एडिट टू द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। चालू करते हैं, लेफ्ट साइड जो आपने लिखा है सर, पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे एक स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल मतलब वो जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, बीच के पे डिपेंड ही नहीं करता पाथ पे। जो राइट साइड आपने लिखा है सर, इसे बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब, पाथ फंक्शन मतलब कि सर जो पाथ पे डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ ले रहा है मेरा सिस्टम। समझ में आ गया, कौन सा पाथ ले रहा है। तो फर्स्ट लॉ में हम हमेशा अपना क्लोज सिस्टम मानेंगे। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है जिसमें मास आ जा नहीं सकता, लेकिन जिसमें हीट आ जा सकती है। मास आ जा नहीं सकता लेकिन जिसमें हीट आ जा सकती है। समझ में आ रहा है सबको? दूसरा सर, हम अपने सारे प्रोसेसेस को क्वाजी स्टैटिक मानेंगे, कोई देगा नहीं लिख के। हमारे कोर्स में ही यही है कि सारे प्रोसेसेस क्वाजी स्टैटिक। दूसरा रिवर्सिबल सब मानेंगे। रिवर्सिबल मतलब जिस पाथ से आया उस पाथ पे ले जाऊंगा तो वापस चला जाएगा। क्वाजी स्टैटिक मतलब इतनी धीरे है, इतनी धीरे है कि ईच एंड एवरी पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ईच एंड एवरी पॉइंट पे आप लिख सकते हो PV = NRT, ये नहीं कि बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। समझ में आ गया सबको? हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम दौड़ा दिया है मैंने। चलो डेल्टा यू, जो डेल्टा यू अगर स्टेट फंक्शन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ F/2 NRT final - T initial, बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सर पॉजिटिव तब होगा जब टेम्परेचर फाइनल इज ग्रेटर देन टेम्परेचर इनिशियल, और नेगेटिव तब होगा जब टेम्परेचर फाइनल इज लेस देन टेम्परेचर इनिशियल। बात खत्म। क्यू, डेल्टा क्यू पाथ फंक्शन NCDT, डेल्टा क्यू की जगह DQ कर देता हूँ, DQ = NCDT। सी किसका होता है? पाथ का होता है, और इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मतलब इस पाथ की मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी है, मतलब कि सर अगर इस पाथ से आपकी गैस जा रही है तो इस पाथ पे 1 mole का टेम्परेचर 1 degree से या 1 Kelvin से बड़ा निकले, कितनी हीट चाहिए, उसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। पॉजिटिव कब होता है? जब हीट क्या होती है, लिखा हुआ है ऊपर, एडेड टू द सिस्टम।
और नेगेटिव कब होता है, जब हीट क्या होती है, रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। वर्क डी डब्ल्यू सबको पता होना चाहिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, पी डी वी। और टोटल वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी प्लस जब वॉल्यूम एक्सपेंड करती है, जब वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है तो क्या हो रहा होगा, धक्का मार रही होगी गैस अभी, पिस्टन बाहर निकल तो धक्का मार रही है गैस, तो पिस्टन को आगे ले जा पा रही है, तो वो क्या कर रही है, पॉजिटिव वर्क कर रही है। नेगेटिव वर्क कब होगा, जब वॉल्यूम कंप्रेस होगा, जब आपका वॉल्यूम कंप्रेस होगा, बिल्कुल सही बात है, जब आपका वॉल्यूम कंप्रेस होगा। इतना सबको समझ में आना चाहिए कि सर फर्स्ट लॉ मेरा इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी अभी कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबको। चालू करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस, चालू करते हैं आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक डेल्टा क्यू जीरो, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। चार इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, चारों के बारे में पता होना चाहिए। सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा, अगर एडियाबेटिक है तो हीट का चेंज जीरो होगा, अगर आइसोकोरिक है तो वर्क का चेंज जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट है, वो हिला ही नहीं पा रही है, वो कुछ पॉजिटिव वर्क कर ही नहीं पा रही है, आइसोबारिक में कुछ भी जीरो नहीं होता। चालू करो आइसोथर्मल का वर्क, जल्दी से कोई बताएगा। हाँ सर, एन आर टी एल एन वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल, वी फाइनल बाई वी इनिशियल। तो हीट भी क्या होगा, सेम एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो अगर डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। इसको ही आप लिखते हो 2.303 एन आर टी लॉग 10 वी फाइनल बाय वी इनिशियल। कोई लिख देता है माइनस पी, मतलब पी इनिशियल बाय पी फाइनल कर दो उसे, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन होती है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट की, वो प्रेशर इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू प्रेशर फाइनल वी फाइनल होती है, बात खत्म। चलो आते ही है सबको एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वर्क जो होता है, मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, टोटल डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, ये होता है वर्क, याद करना होता है। अगर किसी को ये याद नहीं होता, कोई ये याद कर ले एन सी वी डी टी, या बड़ा लेना है तो एन सी वी डेल्टा टी याद कर ले, मेरे को कोई फाइट नहीं है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो यही है, और ये जो एन सी वी डेल्टा टी आएगा ना उसका उल्टा ही आएगा। क्यों, क्योंकि सर आपका डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा यू और डब्ल्यू एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए, बात खत्म, समझ में आ गया। आइसोकोरिक वर्क जीरो, इंटरनल एनर्जी एन सी वी डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू भी कितना होगा, एन सी वी डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी इसमें फिर से एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो हमेशा ही सेम रहेगी, चेंज स्टेट फंक्शन है। ये पी कॉन्स्टेंट हो गया तो डेल्टा वी, या एन आर डेल्टा टी, या ये हो जाता है एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी हर किसी का नहीं होता, प्लीज़ यार एन सी पी डेल्टा टी हर किसी में मत लगा देना, एन सी पी डेल्टा टी सिर्फ और सिर्फ आइसोबारिक का ही होता है। तो इससे एक और इक्वेशन आती है, क्या इक्वेशन आती है हमारी, इससे क्वेश्चन आती है कि सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, सी वी इज इक्वल टू सी पी, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, समझ में आ गया सबको पक्का। तो इसमें और क्या क्या सोच सकते हो, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो क्या क्या कर सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि सर इंटरनल एनर्जी अगर ए से बी जा रहा है, चारों में से किसी भी प्रोसेस से भी जाए, आपका इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम आएगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। लेकिन ये जो है ये सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, अगर ए से बी जा रहा है, समझ में आ गया सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलो चालू करते हैं अगला, स्पेसिफिक हीट, अब आते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट को कहते हैं सीवी। इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस से लेके जाओगे, तो एक डिग्री टेम्परेचर या एक डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी उस प्रोसेस के थ्रू। तो सर इसमें डिफरेंट होता है किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए अलग होगा,
डाई एटॉमिक के लिए अलग होगा, पॉली एटॉमिक लीनियर के लिए अलग होगा, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए अलग होगा, और एक और कर लेता हूँ, डाई एटॉमिक एट हाई टेम्परेचर के लिए अलग होगा। एक पॉली एटॉमिक भी हाई टेम्परेचर के लिए होता है, वो आपका होमवर्क है, करो करो जल्दी से, रिवाइज करो, थोड़ा कॉपी बुक खोलो अपनी 11th की। मोनो एटॉमिक में कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट देनी होती है, 3/2 R। डायटॉमिक पे 5/2 R, ये F/2 ही होता है, F/2 ही होता है। पॉलीएटॉमिक लीनियर 5/2 R, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर 6/2 R, इसमें आता है 7/2 R। 7/2 R क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज आती है जिसे बोलते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है कि सर, ये अगर आपका मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करता है और ये वाला मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करता है, तो दो एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ जाती है। समझ में आ रहा है, विजुअलाइज नहीं होगा, याद करना है अब, तो अब टाइम ही नहीं है यार विजुअलाइजेशन का, ये सब जिसने अभी तक नहीं करा। सी पी, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे अगर आपको 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है, फिर से सारी गैसेस का अलग होगा, मोनोएटॉमिक का अलग होगा, डायटॉमिक का अलग होगा, पॉलीएटॉमिक लीनियर का अलग होगा, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का अलग होगा, और डायटॉमिक एट HT मतलब हायर टेम्परेचर का अलग होगा। क्या क्या होगा, मोनोएटॉमिक का R जोड़ते जाओ, R जोड़ते जाओ, Cp-Cv R के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 5/2 R, ये हो जाएगा 7/2 R, ये हो जाएगा 7/2 R, ये हो जाएगा 8/2 R, और ये हो जाएगा 9/2 R, ये हो जाएगा 9/2 R, ये हो जाएगा 9/2 R। समझ में आ गया। अच्छा, अगर किसी को नहीं आता, वैसे तो यार मैं कराना नहीं चाहता, आइसोथर्मल PV = constant, आइसोकोर एक वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो P/T कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो V/T कांस्टेंट हो जाएगा। क्या नाम होता है, बॉयल होता है या चार्ल्स होता है या जो भी, अपने आप याद करो यार ये सब, हम तो उस क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से, ध्यान से देखो, ये समझ में आ गया सबको। मोनोएटॉमिक 3/2, इसका Cp 5/2, ये 5/2, इसका 7/2, ये 5/2, इसका भी 7/2, ये 6/2, इसका 8/2, ये 7/2, इसका 9/2। समझ में आ गया सबको, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट सर अगर कोई भी रैंडम प्रोसेस के लिए आ गया, कोई भी रैंडम प्रोसेस के लिए आ गया, रैंडम मतलब ना ही इन चारों प्रोसेस में से कुछ नहीं हुआ, तो उस रैंडम प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा, उस प्रोसेस के लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगा, आप उस प्रोसेस का ज़रा सा dQ निकालोगे, डिवाइड बाय NdT कर दोगे, दिस इज योर बेसिक फार्मूला। आप उस प्रोसेस का ज़रा सा dQ निकालोगे, डिवाइड बाय NdT कर दोगे, तो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट निकल के आ जाएगा। अगर एवरेज पूछा है तो टोटल dQ डेल्टा क्यू निकालोगे, डिवाइड बाय टोटल N इंटू Δt कर दोगे, तो 3-4 प्रोसेसेस का भी एवरेज आ सकता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसको याद है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है कि सर PV^X = constant, अगर ऐसी इक्वेशन दिखे तो इसे पॉलीट्रॉपिक कहते हैं, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द इक्वेशन सारे, कि एक्स को गामा कर दोगे तो एडियाबेटिक, जीरो कर दोगे तो प्रेशर कॉन्स्टेंट, आइसोबारिक इन्फिनिटी कर दोगे तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, आइसोकोरिक 1 कर दोगे तो PV कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल दिख ही रहा होगा सबको। तो इसकी जो सी होती है वो हमें याद रखना है, दैट इज इक्वल टू R/γ-1 - R/x-1, ये आपको याद रखना है, रटना है, याद रखना है, डायरेक्टली आता है फॉर्मूला, समझ में आ गया, चालू करते हैं। हाँ जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखो जरा कितना इजी क्वेश्चन है, शोज टू प्रोसेसेस ए एंड बी ऑफ अ गैस, एक ये प्रोसेस ए है, एक ये प्रोसेस बी है, ठीक है, क्यू ए एंड क्यू बी आर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन टू केसेस, कि क्यू ए और क्यू बी अमाउंट ऑफ हीट है जो एब्जॉर्ब किए गए हैं सिस्टम के दो केसेस में, हमें बताना है कि डेल्टा यू ए और डेल्टा यू ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। सर स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डेल्टा यू ए और डेल्टा यू बी सेम होने चाहिए, इंटरनल एनर्जी
स्टेट फंक्शन है सेम होना चाहिए। सी ये टू पार्ट और ये फोर्थ पार्ट काट दो, ये सही होगा और ये सही होगा, ये सही होगा और ये सही होगा। तो अब एक और चीज़ बता देता हूँ क्या होता है, सबको पता ही है वैसे तो, अभी आगे आने वाला था। पीवी ग्राफ जो होता है उसका जो एरिया होता है किसके साथ, विद वॉल्यूम एक्सिस के साथ, वो आपका वर्क डन देता है। ध्यान से देखो ना यार, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी है, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जो होगा वो इंटीग्रेशन पी डी वी होगा, नहीं होगा, ये तो सबको ही पता है। ये इंटीग्रेशन पी डी वी का क्या मतलब, कि अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाओगे तो उस ग्राफ का एरिया चाहिए मुझे कौन सी एक्सिस के साथ, वॉल्यूम एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर अगर ए प्रोसेस का वॉल्यूम देखोगे तो ये ज़्यादा है एरिया, बी का देखोगे तो ये कम है एरिया। तो ज़्यादा वर्क डन किसने किया, ए वाले प्रोसेस ने किया। अगर ए वाले का वर्क डन ज़्यादा है तो ध्यान से देखना, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये दोनों का सेम है। ये ए का ज़्यादा है तो ये भी तो ए का ज़्यादा होगा बी से, तो आपका आंसर वन आ गया। ये तो मैं करा रहा हूँ इतनी देर में, जिसको आते हैं ना उसके लिए तो 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, 5 सेकंड में 4 नंबर, इससे ज़्यादा अच्छी डील नहीं है यार। मैं बता रहा हूँ ना, एट द एंड ऑफ 90 मिनट्स आज सबको इतनी फील आनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन मेरे सेट में आ जा भाई, प्लीज़ आ जा, मैं करके जाऊँगा। लो देखो, व्हेन हीट क्यू इज सप्लाई टू अ डायटोमिक गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई डेल्टा टी। लो ठीक है, क्यू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का क्यू क्या था, फॉर्मूला एन सी डेल्टा टी, लो हो गया। द हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये एन सी वी होगा। अब अगर मैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे सेम हीट चेंज लाना चाहता हूँ टेम्परेचर का, तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, या ये हो जाएगा एन, ध्यान से देखना, सी पी करा दिया मैंने डायटोमिक का 7/2 R delta T, और ये था एन 5/2 R delta T। अगर बच्चा मैं दोनों साइड 7/5 कर दूं और एन 5/2 R delta T कर दूं, तो ध्यान से देखना, एन 5/2 R delta T कुछ दिख रहा है, क्यू ही दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 7/5 ऑफ क्यू, आपका आंसर फोर्थ है। कि आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी, आंसर आ गया। अरे यार इससे आसान तो क्या ही लोगे यार तुम लोग, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा बच्चा तो तैयारी में कुछ फ्लॉ है। ध्यान से देखो, लो ये है क्वेश्चन यार, ये मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन जो था इसमें इन्होंने ट्रिक लगा दी, मैं होता मेरे से नहीं होता यार, मैं तो सच बोल रहा हूँ, एग्जाम में तब इतना सोचना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि एन मोल्स ऑफ आयन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी सीवी, एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस विद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी सीवी, इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी लिख दी बे इन्होंने, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी जो सीवी है ये 1 मोल की नहीं है, एन मोल्स की है। तो 1 मोल की ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो हो जाएगी भैया सीवी बाय एन, बिल्कुल सही बात है, वो हो जाएगी भैया सीवी बाय एन। तो ये इंग्लिश पे मार दिया यार इन लोगों ने, मैं तो इतना इंग्लिश तो उस टाइम नहीं लगती मेरे से दिमाग, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो अगर ये आपसे नहीं हो रहा था, जो अगर आप सीवी डाल रहे थे तो डायरेक्टली आंसर कोई सा भी मैच नहीं करता था, आप आगे निकल सकते थे बिना कुछ टिक किए, क्योंकि इतने क्वेश्चन होते हैं जो करने वाले होते हैं, तो कुछ तो अटकाएंगे यार वो भी पेपर बनाने ही बैठे हैं। तो अब एक आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट सप्लाइड, तो वर्क डन जो होता है सर वो होता है पी डेल्टा वी आइसोबारिक में, यह होता है पी वी एफ माइनस वी आई, यह होता है एन आर टी एफ माइनस टी आई। सर जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है एन सी पी टी एफ माइनस टी आई। ध्यान से देखो, अगर दोनों को डिवाइड करूंगा वर्क डन बाय डेल्टा क्यू को, तो एन से एन कट गया, टी एफ माइनस टी आई कट गया, तो बचा आर अपॉन सी पी, तो ये होगा आर अपॉन
सीपी को लिखता हूँ सीवी प्लस आर, लेकिन जो वो सीवी होता है वो होता है एक मोल वाला, तो यहाँ पर आएगा सीवी बाय एन प्लस आर, तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन सीवी प्लस एन आर अपॉन सीवी प्लस एन आर, या थर्ड पार्ट, या थर्ड पार्ट। ध्यान से देखो यार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि इन्होंने एन मोल्स का हीट कैपेसिटी दे, इन्होंने हीट कैपेसिटी लिख दी यार, ये सब ये बड़ा लोचा हो गया था इस वाले में, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में करा, मेरे से भी गलत हो गया, तो इट इज़ नॉट कि आप जाओगे तो आप 25 क्वेश्चन करके आओगे, बहुत कम बच्चे होते हैं जो 25 क्वेश्चन करते हैं। आप अपना नॉर्मल करके आ रहे हो, 70-80% बहुत है यार, ठीक है। ये लो, अ रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस अंडरगोस एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी टू द पार गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। गामा क्या होता है तो रिवाइज करो, सीपी बाय सीवी होता है। किसका होता है सर, डायटोमिक का, तो डायटोमिक का होता है 7/2 R डिवाइडेड बाय 5/2 R, तो ये हो गया भैया आपका 7/5, ये हो गया भैया आपका 7/5। तो अगर ये 7/5 आ गया तो क्या करना है, हमें बताना है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ दिस प्रोसेस। तो अगर पी वी टू द पार गामा कांस्टेंट है, पी को मैं लिख सकता हूँ एन आर टी बाई वी इंटू वी टू द पार गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हो गया टी इंटू वी टू द पार गामा -1 कांस्टेंट। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है टी वी टू द पार एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारे रिलेशन से गामा -1 एक्स के बराबर है, या एक्स इज इक्वल टू 7/5 -1 या 2/5 है, 2/5 है आंसर आ गया, 4 2/5, कोई डाउट नहीं है यार, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार। अब मैं क्या कराऊँ बताओ इसमें, अगर तुम लोग कह रहे हो कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो रहा, तो बच्चा फिर तो फाइट है ना यार, ये सब तो हो जाना चाहिए, समझ रहे हो ना चीज़ें। चलो समझ में आ गया, तो चालू करो ग्राफ्स। अब चालू करते हैं ग्राफ्स, ग्राफ्स में ध्यान से सुनना, पहला जो ग्राफ चालू कर रहा हूँ आइसो बारिक का कर रहा हूँ, आइसो बारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। पहला ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम का एक सेट पकड़ रहा हूँ, उसके हिसाब से तीन ग्राफ बना रहा हूँ, क्योंकि आपका ग्राफ का इंटर कन्वर्जन बहुत आने लग गया है कि ग्राफ को यहाँ से उसमें कन्वर्ट करो, इस ग्राफ को इससे इसमें कन्वर्ट करो, तो ये आपको समझना पड़ेगा। प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखूँ वॉल्यूम बढ़ाऊँ तो आंसर ऐसा दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलरली टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसी में वॉल्यूम और टेम्परेचर, या वॉल्यूम और टेम्परेचर बाद में कर लो, पहले प्रेशर और टेम्परेचर कर लो, तो दोनों आसानी से हो जाएंगे, प्रेशर और टेम्परेचर कर लो। तो सर प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ी है तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, तो अगर वॉल्यूम बढ़ी है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और सर फिर अगर आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम का देखूंगा तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होती है, तो कुछ ऐसा रहा होगा कि सर वॉल्यूम भी बढ़ी है और टेम्परेचर भी बढ़ा है, ओरिजिन से पास कर रहा होगा ग्राफ, समझ में आ गया। तो एक ग्राफ दिया होगा तो बाकी दो उसी चीज़ के आपको बनाने आने चाहिए, पीवी को पीटी में कन्वर्ट करना, पीवी को टीवी में कन्वर्ट करना, और रिस्पेक्टिवली वाइस वर्सा, समझ में आ गया। अगला आइसोकोरिक, जल्दी से वीडियो पॉज करो अगर बाद में देख रहे हो, और सोचो क्या हो सकता है। आइसोकोरिक वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो अभी लाइव कर रहा है वो तो करो, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहला ग्राफ किसका बनाएंगे, पीवी, मैं दे रहा हूँ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाया है, लो बढ़ा दिया। दूसरा हम बनाएंगे वो टीवी का बनाएंगे, तो बताओ जल्दी से क्या होगा। टीवी का सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाया है, तो पक्का टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ जाता है। तीसरा प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन आता है, ये भी कुछ ऐसा दिखता है, ये भी कुछ ऐसा दिखता है। कोई भी डाउट है तो पूछ, देखो समझो यार मेरी बात, क्लियर है ना, नीचे डाउट पूछते जाओ अपने, ठीक है। ये तो हो गया सबसे, चलो ये देखो अगला आइसोथर्मल, अब मजा आएगा, देखें किसको याद है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो पहला ग्राफ पीवी का ही बनाता हूँ, तो
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर ऐसा बना दिया कि वॉल्यूम बढ़ रही है और प्रेशर कम हो रहा है, तो फिर अगर प्रेशर और टेम्परेचर का बनाऊंगा तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है भैया, ये लो प्रेशर घट रहा है भैया। वॉल्यूम और टेम्परेचर का बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है भैया, ये लो वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका। आ गया समझ में, आ गया एडियाबेटिक। हाँ जी एडियाबेटिक सबने फंक्शंस में कर रखा है यार ये सब ग्राफ, तो इतना फाइट तो है नहीं। पी वी टू द पार गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, फिर से ऐसा ही दिखता है। कैच कि एडियाबेटिक की जो स्लोप होती है किसी भी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो आइसोथर्मल की स्लोप से ज़्यादा होती है, और वो कितने टाइम ज़्यादा होती है बता दो जल्दी से, गामा टाइम ज़्यादा होती है भैया। बिल्कुल पकड़ लिया तुम लोगों ने, आइसोथर्मल से गामा टाइम ज़्यादा होती है। तो टीवी का ग्राफ बच्चा मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी एडियाबेटिक में तो टेम्परेचर आपका फिर से घटेगा और ऐसा ही ग्राफ दिखेगा। सब रिवाइज करेंगे कॉपी जाके, सब समझ आ गया। पीटी ग्राफ भैया प्रेशर भी कम हो रहा है टेम्परेचर भी कम हो रहा है तो कुछ ऐसा कम होता है, प्रेशर भी कम हो रहा है टेम्परेचर भी कम हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन कम नहीं होता, ऐसा कम होता है ना ही ऊपर से ना ही स्ट्रेट लाइन से नीचे से कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ग्राफ्स भी, इनको तो पागल ही हो गए हैं यार ये सब ग्राफ्स ग्राफ्स में भी। ध्यान से देखो ये, देखो ये लो 2020 जनवरी इस साल का, अब देखना जरा कितने लोग कर पाते हैं कि भैया वीटी डायग्राम दे रखा है, वीटी दे रखा है। तो चलो एक पकड़ते हैं, एक से ही हो जाए तो काम आसान है ना। चलो वाई जेड देखो, वाई से जेड जब जा रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिख रहा है सबको, ग्राफ पढ़ना आ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसमें देखना वाई से जेड जब जा रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये तो खत्म। इसमें जब वाई से जेड जा रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें जब वाई से जेड जा रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है, खत्म। इसमें जब वाई से जेड जा रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर या तो बी पार्ट होगा या डी पार्ट होगा। कितने सेकंड लग गए, ज़्यादा लग गया क्या? नहीं ना। दूसरा सर अगर आप ध्यान से देखोगे भैया तो वाई से जेड जब जा रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, अगर पक्का टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम हुआ होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आपका टेम्परेचर कम हुआ है तो प्रेशर भी कम हुआ होगा, अगर प्रेशर कम हुआ होगा तो ध्यान से देखना इसमें, इसमें तो प्रेशर बढ़ रहा है, गलत है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें प्रेशर कम हो रहा है, सही बात है, तो इसमें प्रेशर कम हो रहा है तो आंसर डी पार्ट आ गया, इसमें प्रेशर कम हो रहा है तो आंसर ये वाला पार्ट आ गया, बात खत्म। किसी को डाउट इसमें? इजी क्वेश्चन है यार ये सब, लो जल्दी से करो, ये आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज कर देगा जल्दी से। तो इसमें है कि भैया चार प्रोसेसेस दे रखे हैं, पीवी ग्राफ दे रखा है, पूछ रहा है कौन सा किसका है, देख लेते हैं। हाँ जी इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक, तो ए आइसोबारिक है, ए कहाँ है, ए कहाँ आइसोबारिक कहाँ है, दूसरे नंबर पे है तो ए दूसरे नंबर पे होना चाहिए, ए अगर दूसरे नंबर पे होगा तो ये खत्म और ये खत्म, ठीक है। फिर है डी 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 ये वाला, या आइसोकोरी का वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है तो पहले नंबर पे डी होना चाहिए, तो ये दोनों बचे हुए हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आइसोथर्मल और आइसो और एडियाबैटिक देखना है तो बात खत्म ना, एक पॉइंट पे अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक है तो किसकी स्लोप ज़्यादा होनी चाहिए, एडियाबैटिक की अभी तो बताया, तो ये एडियाबैटिक होगा, ये आपका आइसोथर्मल होगा, तो सी आपका एडियाबैटिक है, सी आपका एडियाबैटिक है, तो लास्ट होना चाहिए एडियाबैटिक, अगर लास्ट हो गया एडियाबैटिक सी तो ये हो गया आपका आंसर, खत्म। क्या बच्चा इसमें थोड़ी रुकेंगे यार, ये सब तो करते ही जाएंगे नॉन स्टॉप, बिल्कुल भगाओ इन सब में, समझ में आ गया सबको। चलो ये क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान से देखना, इसमें ये था कि सी ए बी एक प्रोसेस है, हमें वॉल्यूम हमें वर्क डन बताना है इस साइकिल का, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ, कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ, कैसे आया सोचो सोचो थोड़ा सा सोचो। तो ध्यान से देखना इस वाले प्रोसेस में जो ऊपर वाला प्रोसेस है इसमें इतना वर्क डन किया होगा, इस वाले प्रोसेस में इतना वर्क डन किया होगा नेगेटिव,
तो टोटल वर्क डन कितना बचा, बस इतना ही तो बचा, तो बस ये एरिया इनक्लोज्ड आ गया। तो एरिया इनक्लोज्ड अगर निकालोगे तो हो जाता है हाफ इन टू, ध्यान से देखना इसकी एक्सिस से बस नंबर ही उठाने थे, थोड़ा कन्फ्यूजन सा लगता था कि ये टू पे मैच कर रहा है या वन पे मैच कर रहा है, उन्होंने वन का दे रखा था, तो मैं ले लेता हूँ। तो ये हो गया 4 × 6 − 1 5, तो आंसर हो गया आपका 10 जूल्स। सारी ऐसा यूनिट में, ये भी मीटर क्यूब में है आपका, ये भी पास्कल में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, समझ में आ गया, कन्वर्ट कर लेंगे जो भी है। ठीक है, डाउट इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। चलो आ जाओ यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस, जब भी मिक्सचर ऑफ गैसेस करेंगे फिजिक्स में, हमेशा नॉन रिएक्टिंग गैसेस मानेंगे। नॉन रिएक्टिंग गैसेस का क्या मतलब होता है? नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मतलब होता है ये नहीं कि मिलाया और बोल दिया भाई सी और ऑक्सीजन मिलाया CO2 बन गया, ये सब नहीं करते हम लोग। कार्बन अलग है जी, ऑक्सीजन अलग है, दोनों अपना अपना देखेंगे, कोई किसी के में घुसेगा नहीं। तो मोलर मिक्सचर जो होता है, तो मोलर मास जो होता है, मिक्सचर का मोलर मास ये हो जाता है M1N1 प्लस M2N2 डिवाइडेड बाय N1 + N2। अब ये क्या है, M1 है मोलर मास उस गैस का जो पहली मिलाई है, M2 है मोलर मास उस गैस का जो दूसरी मिलाई है, इसके N1 मोल्स मिलाए हैं, इसके N2 मोल्स मिलाए हैं, इसका CV CV1 है, इसका CV CV2 है, इसका CP CP1 है, इसका CP CP2 है, इसका गामा गामा 1 है, इसका गामा गामा 2 है, बात खत्म। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लो CV मिक्सचर गैस का जो होगा, सोच पाओगे सबने कर रखा है N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 + N2। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP मिक्स इज इक्वल टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 + N2 डिवाइडेड बाय N1 + N2। गामा मिक्सचर, बच्चा इसका एक फॉर्मूला गामा से रिलेटेड भी होता है, लेकिन मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ CP मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV मिक्सचर, सबको समझ में आना चाहिए। आपको गामा वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो यार मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, क्या था, जब मीन्स का पेपर दोगे ना यार, प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि मैं तो एडवांस की तैयारी करता था तो ये तो बहुत इजी होता है, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप है कि मैं तो यूं ही कर दूंगा। प्लीज़ अपना कंसंट्रेशन एग्ज़ाम पे लगाना, पेपर पे लगाना, एक एक वर्ड एक एक लाइन वो बदल देते ना, ऐसे ऐसा होता है कि तुम्हारा पूरा आंसर ही बदल जाता है। जैसे अभी मैंने दिखाया वो CV वाला, कि वो N मोल्स की हीट कैपेसिटी दे रखी थी, 1 मोल की नहीं। अब कितने परसेंट वो बच्चे सही करेंगे, 1%, उन्हीं 1% का होता है, तो हमें उस 1% में आना है बच्चा। अगर आपको चाहिए 200 300 400 रैंक, तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस, ये नहीं कि मजाक चल रहा है वहाँ पे देख रहे हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। अरे जितना क्वेश्चन आते हैं तुम्हें आते हैं ना, उससे हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ यार, अगर 2 साल से NCLT तैयारी करी है, जितने तुम्हें आते हैं उससे 101% होगा, कोई नहीं रोक रहा तुम लोगों को, लेकिन उतना तो अच्छे से करो प्लीज़, क्लियर है सबको। चलो लो ये देखो, मिक्सचर ऑफ N मोल्स ऑफ हीलियम गैस है, ठीक है, और 2 N मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है। बिल्कुल हीलियम गैस मोनो एटॉमिक गैस होती है भैया, ऑक्सीजन गैस डायटॉमिक गैस होती है भैया। टेकन टू बी रिजिड एज एन आइडियल गैस, ये सब तो बेकार की चीज़ें, हमें CP/CV निकालना है। तो CV ऑफ मिक्सचर जो होगा वो होगा N1 N मोल्स ऑफ हीलियम। और मोनो एटॉमिक गैस का CV क्या होता है, मोनो एटॉमिक गैस का होता है भैया 3/2 R प्लस 2N उसके मोल्स इंटू 5/2 R डिवाइडेड बाय 3N। CP मिक्स इज इक्वल टू N 5/2 R प्लस 2N इंटू 7/2 R डिवाइडेड बाय 3N, नंबर ऑफ मोल्स ऐड करती है। तो गामा मिक्स जो हो जाएगा मिक्सचर का डायरेक्टली CP मिक्स डिवाइडेड बाय CV मिक्स हो गया आंसर। देखो निकालने की जरूरत नहीं है, 3N 3N सबका कट जाएगा, अगर डिवाइड करोगे तो, अगर ध्यान से दिख रहा है तो ये 3N कट जाएगा, सबका R कट जाएगा, सबका ये N कट जाएगा, तो
तो ऊपर बचेगा ये सीपी मिक्स, ऊपर बचेगा ये हो गया कितना 14/2 + 5/2, या मैं कह सकता हूँ 19/2 डिवाइडेड बाय, ये बचेगा 10/2 + 3/2, या मैं कह सकता हूँ 13/2, ये आंसर बच गया 19/13। डी पार्ट, डी पार्ट आपका आंसर है 19/13। डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो फिर बोल रहा हूँ डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, जिसको डिफिकल्ट लग रहा है वो गलत है। प्लीज़ ध्यान से देखो, समझ में आ गया? लो ये वाला करो। एक गैस मिक्सचर है, इसमें ना मिक्सचर ऑफ गैसेस की एनर्जी की बात करती है, सीपी सीवी की बात करिए, एनर्जी की बात करिए, तो भी सेम ही होता है। हमें तो पता है कि भैया आपने बोला था कि अगर अलग अलग गैस है तो अलग अलग एनर्जी निकालो, ऐड करो, ख़त्म करो। एक गैस मिक्सचर है जो कंसिस्ट करता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और 5 मोल्स ऑफ आर्गन, 3 मोल्स ऑक्सीजन के और 5 मोल्स आर्गन के। तो ये हो गई हमारी डायटोमिक गैस, ये हो गई हमारी मोनोएटोमिक गैस। फिर से दोनों का टेम्परेचर टी है, तो बात ख़त्म। कंसिडरिंग ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड, मतलब समझ में आ रहा है? वाइब्रेशनल मोड नहीं है, इसका मतलब ये है। बहुत ही अच्छे फ्रेम्ड होते हैं क्वेश्चंस। टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है सिस्टम की? तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन की देखते तो ऑक्सीजन की होती F/2nRT, F होता 5 डायटोमिक है, N हो गया 3 × RT। अगर सिर्फ आर्गन की देखता तो फिर से लिखता F/2nRT, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता 3/2, N है उसके 5 RT। लेकिन सर दोनों प्रेजेंट है तो आपको दोनों का ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो दोनों की ऐड करोगे तो 30/2 RT हो जाएगा या 15 RT हो जाएगा। भाई डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज़ यार डिफिकल्ट मत बोलो इसे। नहीं आता दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि रिवाइज नहीं है सर, याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया, दैट इज़ डिफरेंट। कोई डिफिकल्ट नहीं बोलेगा कि सर मेरे से नहीं होगा यार, ये प्लीज़ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आज बता रहा हूँ। 90 मिनट्स बाद सब करेंगे सर, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हमारे सेट में आ जाए, फिर देखो मज़ा आ जाएगा। दो दो क्वेश्चन आ जाए, 10 नंबर दूसरों से डिफरेंस, ठीक है ना? चलो बच्चा, हमारा क्या पॉइंट है? हमारा पॉइंट है कि हमारे नंबर सबसे ज़्यादा होने चाहिए। कौन से चैप्टर से बन रहे हैं वो थोड़ी पूछ रहे हैं कोई, नंबर ज़्यादा होने चाहिए। समझ में आ गया सबको? चलो ध्यान से देखो, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है जल्दी से बताएगा कोई मुझे? साइक्लिक प्रोसेस एक वो प्रोसेस है जिसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है कि मतलब आप पूरा एक साइकिल कंप्लीट करोगे तो वापस उसी प्रोसेस पे आ जाओगे। समझ में आ गया? तो साइक्लिक प्रोसेसेस जो होते हैं, या तो वो हीट कंज्यूमिंग साइकिल्स होती हैं जो रियल लाइफ होता है, बता रहा हूँ अभी सब दिखाऊंगा, या ये लो, या हीट प्रोड्यूसिंग साइकल्स होती हैं, या हीट प्रोड्यूसिंग साइकल्स होती हैं, ठीक है। अगर कोई सा भी ग्राफ बनाओगे, पीवी टीवी पीपी जो भी ग्राफ बनाओगे, तो वो कुछ भी घूम घाम के वापस उसी पे आएगा। क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो अंदर का एरिया होगा पीवी ग्राफ का, ये आपको टोटल वर्क डन दे देगा, ये आपको टोटल वर्क डन दे देगा भैया। समझ में आ गया? आपसे ग्राफ्स चेंज करवा सकता है, मैंने आपको दिखा दिया कैसे ग्राफ्स चेंज करवा सकता है। आपसे ये एफिशिएंसी पूछ सकता है। अब आया गया, एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मैं एक आइडिया दूंगा, एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर मैंने आपको 100 जूल एनर्जी दी, आप उस 100 जूल में से, 100 जूल हीट एनर्जी में से आप सिर्फ 30 जूल का काम कर पाए, तो आपकी एफिशिएंसी है 30%, कि मेरे पास 100 जूल एनर्जी थी, मैं 30% काम कर पाया। तो एफिशिएंसी होती है जितना आप वर्क आउटपुट निकाल पाए, कितनी आपको हीट इनपुट मिली। ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ, ये हीट का चेंज नहीं है पूरी साइकिल का, हीट का चेंज नहीं है, सिर्फ हीट इनपुट है। हीट इनपुट मतलब वो वाले प्रोसेसेस जिसमें क्यू पॉजिटिव था, वो वाले प्रोसेसेस जिसमें क्यू पॉजिटिव था, जिसमें नेगेटिव था वो तो लेने ही नहीं है, वो नहीं लेने हैं प्लीज़। अभी बहुत बच्चों के डाउट होंगे इसमें, मुझे पता है ना यार, सारा हीट ऐड कर देते हैं तो कहते हैं कि हीट एडेड और वर्क इनपुट तो सेम है सर, वर्क आउटपुट क्यों सेम होगा? अरे सेम होगा ना, क्योंकि सर आपने एक पॉइंट से चालू करा ए से,
और घूम घाम के आप वापस ए पे आ गए। अगर आप घूम घाम के वापस ए पे आ गए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो पूरा जीरो ही होगा, सेम पे आ गए, तो जो डेल्टा क्यू होगा टोटल का वो डब्ल्यू के बराबर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो डेल्टा क्यू बाय डब्ल्यू करोगे तो आप बोलोगे सर मेरी तो 100% एफिशिएंसी आ गई। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इसमें से कुछ डेल्टा क्यू होगा पॉजिटिव और कुछ डेल्टा क्यू होगा नेगेटिव। हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है। पॉजिटिव वाला क्यों लेना है? अब चालू होता है जिसे कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। फिजिक्स में कभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स ऐसा सच पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कहता है कि हीट चेंज कैसे होगी, हीट कितनी चेंज होगी, ये तो आपने समझा दिया फर्स्ट लॉ ने, लेकिन कहाँ पर चेंज होगी ये मैं समझाऊंगा, सेकेंड लॉ समझाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हीट बह जाएगी। तो उसने समझाया, उसने क्या समझाया ध्यान से देखना, उसने ये समझाया कि अगर एक प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस जिसे मैं हीट इंजन कहता हूँ, ध्यान से देखना भी समझाऊंगा, अगर एक हीट प्रोसेस है या हीट इंजन है वो किसी सोर्स से जो हायर टेम्परेचर पे, सोर्स क्या होता है जल्दी से एक आइडिया देता हूँ, सोर्स इज एन इनफाइनाइट रिजर्वायर जो जितनी भी हीट दे दे उसका टेम्परेचर कभी कम नहीं होता, अगर उससे क्यू एच हीट ले रहा है, उससे क्यू एच हीट ले रहा है और वो उससे कुछ डब्लू काम कर पा रहा है, डब्लू वर्क निकाल पा रहा है, तो ये कहता है, सेकेंड लॉ कहता है, या इसकी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहती है, नाम नहीं आता ज़्यादातर, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहती है कि अगर आपने क्यू एच हीट ली है उसमें से डब्लू काम कर दिया है तो देट इज़ नेवर पॉसिबल कि आप पूरा का पूरा क्यू एच डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दो, नेवर पॉसिबल। तो कुछ हीट तो आपको रिजेक्ट करनी ही पड़ती है, कुछ हीट आपको रिजेक्ट करनी पड़ती है, दिस इज वेस्ट हीट। और कहाँ रिजेक्ट करते हैं हम? सिंक में करते हैं, जिसे कहते हैं लोअर टेम्परेचर टी एल पे बैठा है। तो वो कहते हैं इट इज़ नेवर पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपने पूरी हीट ली किसी से और पूरा का पूरा उसे वर्क में कन्वर्ट कर दिया, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं है, उसने मना कर दिया है केल्विन प्लैंक ने, समझ में आ गया। तो आपको कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट करना ही पड़ता है। एक बार फिर से बना लेते हैं, लिख लेते हैं हीट इंजन, समझ में आ गया। तो अब अगर ये बात समझ में आ गई तो ये बात हुई कि सर तो जो गाड़ियों में होता है ये भी इंजन ही होता है, ये सब इंजन है, ये सब इंजन है, हर तरह के इंजन है जो आपके एरोप्लेन में लगे हुए हैं, आपकी गाड़ियों में लगे हुए हैं, आपके ट्रेन्स में लगे हुए हैं, हर तरह के इंजन होते हैं। तो हर इंजन में अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। हर इंजन क्या करता है? हीट लेता है, उससे वर्क निकालता है। वर्क निकालता का क्या मतलब? आपकी गाड़ी चलाता है, दैट इज़ अ वर्क बच्चा, दैट इज़ अ वर्क। आपका एरोप्लेन चल रहा है, दैट इज़ अ वर्क। उससे वर्क निकाला, सारा वर्क नहीं कर पाता, कुछ को रिजेक्ट कर देता है। अप्रॉक्सीमेटली 50% टाइप एफिशिएंसी होती है, 50%। 1% एफिशिएंसी अगर आपने कंपनी में बढ़ा दी, इंडस्ट्री में जाके आप करोड़पति बन सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। 1% एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ती है किसी से, मजाक थोड़ी है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इतनी जल्दी? साइंटिस्ट बैठे हुए हैं हज़ारों, समझ में आ रहा है? तो एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि मैं चार प्रोसेसेस की एक साइकिल बनाता हूँ, एक ऐसा इंजन बनाता हूँ जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। उस बंदे ने जो बोला वो था कार्नट, उसकी एक कार्नट साइकिल आई जिसमें चार प्रोसेसेस थे, दो आइसोथर्मल थे और दो एडियाबेटिक थे, दो एडियाबेटिक थे। उसने कहा कि अगर ये चारों प्रोसेसेस यूज़ करके एक साइकिल बनाते हो तो इस साइकिल की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, बट दिस इज़ एन आइडियल साइकिल, रियल साइकिल नहीं है। तो ये बात एग्रीड हो गई है आज तक के लिए कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो एक साइक्लिक प्रोसेस है चार प्रोसेसेस का, जिसमें दो आइसोथर्मल हैं, दो एडियाबैटिक हैं। हीट इनपुट और हीट रिजेक्ट किस में होगी? इस वाले में होगी। इसमें क्या होता है? सिर्फ वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट हो ही नहीं सकती, एडियाबैटिक है। समझ में आ गया सबको? डिफिकल्ट तो नहीं है। तो हमें ये समझ में आ गया, तो उसका हमें बस फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एक कार्नट साइकिल है, इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का 1 माइनस TL बाय TH, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सोर्स का टेम्परेचर, या इसे बोलते हैं, ध्यान से देखना, हमने देखा फॉर्मूला निकाल के देखा, आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं करवा रहा, ज़रूरत नहीं है। TL को आप क्यू
QL by QH से भी रिप्लेस कर सकते हो, QL by QH से रिप्लेस कर सकते हो, तो आंसर हो जाता है QH minus QL by QH या QH minus QL। ध्यान से देखना, 100 जूल हीट आई, 30 जूल रिजेक्ट हो गई, तो काम कितना हुआ होगा, 70 ही तो है, ये W ही तो हो जाएगा, QH minus QL हो जाएगा W by QH, ये हो जाता है W by QH। बिल्कुल सही बात है, सबको समझ में आना चाहिए। ये हो गया भैया आपका W by QH। तो आपको अगर ये समझ में आता है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि जो क्यू एल होता है दैट इज समथिंग लाइक, जो ये होता है ये समथिंग लाइक के इंटू टी एल होता है, और क्यू एच जो होता है ये भी के इंटू टी एच होता है, डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्स्टेंट की होता है दोनों में, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। समझ में आ गया, सारे इंजन यही काम करते हैं, सारे, कोई सा भी इंजन उठा लो यार, आईसी इंजन सुना है सबने, इंटरनल कम्बशन इंजन, गाड़ियों में इंटरनल कम्बशन इंजन होता है, आईसी इंजन, ये जो लगा हुआ है ना ये आईसी इंजन है, तो यही आईसी इंजन में, यही सब इंजन में, यही सब प्रोसेस होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोग ना इतना सिखाएंगे तुम लोगों को, प्लेन कैसे उड़ते हैं, ऐसा है कि तुम्हें इतना दिखा देंगे कि तुम खड़े होगे ना ज़मीन पे, एक प्लेन जा रहा होगा ना, तुम आवाज़ से बता दोगे ये कौन सा प्लेन है, कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस आवाज़ से बता दोगे, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ें हैं यार, दुनिया में सीखोगे चीज़ें, तो बस थोड़ा सा अभी 1 महीने की 1.5 महीने की प्रिपरेशन है, ये कर लो यार, IIT निकालो, ख़त्म करो, ठीक है। हाँ जी, तो कार्नट ने उसका उल्टा भी बोला, मैंने बताया था, ध्यान से देखो, साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है हीट प्रोड्यूसिंग साइकिल, हीट प्रोड्यूसिंग नहीं, इसे वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क कंज्यूमिंग लिख लो, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये होगा वर्क कंज्यूमिंग और ये हो जाएगा वर्क प्रोड्यूसिंग, वर्क प्रोड्यूसिंग, हीट प्रोड्यूस नहीं होता। तो अगर वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है बच्चा, ध्यान से देखना, अगर वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है तो हमारी कौन सी होगी, जैसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ, लेकिन एक होती है वर्क कंज्यूमिंग साइकिल। कैसे डिफरेंस पता चलेगा, डिफरेंस ऐसे पता चलेगा भैया कि आपका पीवी ग्राफ जो है, जो पीवी ग्राफ है इसमें क्लॉकवाइज घूमेगा, वो वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, और इसमें जो है वो पीवी ग्राफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, इसमें वर्क कंज्यूम कर रहा होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसमें वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा और कंज्यूम कर रहा होगा, उसमें प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो जो कंज्यूम करता है उसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर साइकल्स, रेफ्रिजरेटर साइकल्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज़ होती है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करती है, हायर से लोअर पे फ्लो करती है, समझ में आ गया। तो भैया अगर हायर से लोअर पे फ्लो करती है तो फ्रिज के अंदर तो ठंडा होता है, फ्रिज के अंदर ठंडा होता है, फिर भी पता है फ्रिज क्या करता है, अंदर से हीट निकाल निकाल के बाहर डालता रहता है। अबे बाहर तो गर्म है तो बाहर से हीट लेके अंदर डालना, लेकिन वो उल्टा करता है। वो उल्टा क्यों करता है, क्योंकि तुमने कुछ वर्क दे रखा है, तुम अपने सिस्टम को घुमाना चाहते हो, तुम जो असली चीज़ हो रही है दुनिया में, नेचुरल चीज़ हो रही है, उससे उल्टा करना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, इसे बोलूँगा वर्क आपको देना पड़ेगा, वर्क कंज्यूम करेगी ये साइकिल। अगर आप नॉर्मल से उल्टा करना चाहते हो तो आपको कुछ एफिशिएंसी देनी पड़ेगी, अपना कुछ वर्क देना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये मैंने एक आइडिया दे दिया है कि यहाँ से पानी यूँ जाता है, बाहर जाता है गर्म कॉइल्स में जाता है, फिर अंदर ठंडी कॉइल्स में जाता है, इन सब की आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं बस ये बताना चाहता था कि एक ये फ्रिज ऐसा होता है जो वर्क आपका कंज्यूम करेगा। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, समझ पाए होगे अब तो, कि सर एक लोअर टेम्परेचर पे बॉडी होती है, एक हायर टेम्परेचर पे बॉडी होती है, आप कुछ ऐसा वर्क इनपुट करोगे कि ये नीचे से ठंडे से ही हीट निकाल के ऊपर पे डाल देगा, तो उसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर, उसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर। बिल्कुल सही बात है, उसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर। तो सर बहुत लोग आए, बहुत तो ने अलग अलग प्रोसेसेस के रेफ्रिजरेटर बनाए, बहुत रेफ्रिजरेटर बनाए, तो एक बंदा था कार्नट, फिर से उसने एक रेफ्रिजरेटर बनाया जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देता था। उसमें भी क्या था, बिल्कुल सेम दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक बट उल्टे लगे हुए थे, उसमें क्लॉकवाइज घूम रहे थे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। बिल्कुल सही बात है। इसमें सर एफिशिएंसी की बात करोगे, अबे काहे की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे हो सकती है, कुछ निकाल थोड़ी रहे हो, इसमें बात होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, कि कितना अच्छा है फ्रिज मेरा, तो वो होता है कितना होता है QL by W, कि मैंने कितना वर्क दिया और उससे कितनी हीट वो निकाल पाया।
समझ में आ गया। तो दो होते हैं, एक तो होता है रेफ्रिजरेटर का, एक सीओपी होता है हीट पंप का। हीट पंप होता है वो होता है QH/W। वो क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुम्हें इस ठंडी वाली जगह से मतलब है, जैसे मेरे को फ्रिज से मतलब है, तो फ्रिज से मतलब है तो मेरा वो रेफ्रिजरेटर का काम कर रहा है। अगर मेरे को इस जगह से मतलब है, इस जगह से मतलब है, तो ये मेरा हीट पंप होता है। कैसे, हीटर, हीटर। गर्मियों में हीटर लगा दो, गर्मियों में, ओ सॉरी, ठंड में हीटर लगा दो, तो जो रूम के बाहर है वो ठंडी जगह है, रूम के अंदर जो है वो गर्म जगह है, फिर भी वो क्या करता है, पीछे ठंडी जगह से हीट पकड़ पकड़ के लाता है और रूम में डालता है और गर्म करता है। तो दिस इज ऑपोजिट ना, कहाँ से एनर्जी मिलती है, तुम जो प्लग इन करते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, वो एनर्जी एक तरीके की जो तुम दे रहे हो, वर्क दे रहे हो। समझ में आ गया। तो उस केस में मैं हीट पंप बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को बाहर वाले ठंडे इन्वायरमेंट से मतलब नहीं है, मेरे को किससे मतलब है कि मेरा रूम कितना ठंडा हुआ, ये TH से मतलब है। तो वहाँ पे QH/W हो जाता है COP, बस खत्म। इतना समझ में आ गया, हो गया। देखो जल्दी से, अ कार्नट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स ऑफ टेम्परेचर 900 एंड 300। कार्नट इंजन इंजन है, रेफ्रिजरेटर नहीं है। 900 केल्विन का एक है, एक 300 केल्विन का एक है, इंजन है। बीच में इंजन होगा, दो आइसोथर्मल, दो एडियाबेटिक। कितना काम कर रहा है, 1200 जूल कर रहा है एक साइकिल में, ठीक है। हीट एनर्जी यहाँ से कुछ QH आई होगी, उसने कुछ रिजेक्ट करी होगी QL। हाँ जी, बताना भूल गया, इसमें कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट थी, इसमें कौन सी स्टेटमेंट होती है, अपने आप सोच के आओगे या बता दूँ। क्लॉशियस, क्लॉशियस स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ ही है दोनों, सेकेंड लॉ से दोनों स्टेटमेंट निकल कर आती हैं, ठीक है। तो 1200 जूल कर रहा है, कर लेते हैं कि सर हमें बताना है कि हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय इंजन टू द लोअर टेम्परेचर, हमें ये QL बताना है। बता देते हैं क्या फाइट है, तो 1 माइनस TL/TH जो होगा वो एफिशिएंसी होगी, तो एफिशिएंसी होगी 1 माइनस 300/900, या हो गया 2/3, लेकिन एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। हीट इनपुट कहाँ से होता है, हायर टेम्परेचर से। तो वर्क आउटपुट हमें पता है, कितना पता है हमें, 1200 पता है, तो मैं डायरेक्टली हीट इनपुट निकाल सकता हूँ हायर टेम्परेचर से, हो गया 3/2 × 1200, या ये हो गया 1800 जूल। तो सर 1800 जूल आया, 1200 का काम हो गया, रिजेक्ट कितना होगा जल्दी से बताओ, 600 होगा भैया। अरे यार बिल्कुल परफेक्ट, 600 जूल, बिल्कुल परफेक्ट, 600 जूल, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा। चलो अब आया बढ़िया चीज, इसे कहते हैं कैस्केडिंग, कैस्केडिंग कहते हैं इसे, कैस्केडिंग कहते हैं। अरे इसमें तो बहुत ही, ये तो अभी किसका था, ये भी 2020 जैन का था, देख रहे हो कार्नट, ये भी 2020 जैन का, और भी है 2020 जैन के, सारे नहीं उठा सकते, टाइम कंस्ट्रेंट है, जाके करना, एंजॉय करना यार ये सब क्वेश्चन। दो आइडियल कार्नट इंजन ऑपरेट करते हैं कैस्केड में, ऑल हीट गिवन अप बाय इंजन इज यूज्ड बाय द अदर इंजन टू प्रोड्यूस वर्क। क्या मतलब है कैस्केडिंग बच्चा, तब होता है एक इंजन जो होता है ना, उसकी एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन मतलब अगर वो 1000 से 500 केल्विन के बीच में काम कर सकता है, तो आप उसको 1000 से 200 केल्विन के बीच में नहीं लगा सकते। लेकिन अगर 1000 से 200 केल्विन के बीच में लगाऊंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है, तो हम क्या करते हैं, 1000 से 200 के बीच में दो इंजन लगा देते हैं, 1000 से 500 का, 500 से 200 का, समझ में आ गया। तो इसे कहते हैं कैस्केड करना, कि आप बार 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 नया इंजन लगा रहे हो। तो कहता है कि एक है ये मेरा रिजर्वायर, यहाँ पे एक इंजन लगा हुआ है, और ये रिजेक्ट करता है हीट इसके पास, लेकिन ये जो हीट रिजेक्टेड है, ये हीट रिजेक्टेड ये दूसरे इंजन को दे देता है, और वो फाइनली रिजेक्ट करता है सबसे लोअर टेम्परेचर पे, समझ में आ गया। तो ये है आपका इंजन 1, ये है आपका इंजन 2, ये कुछ वर्क देगा वर्क 1, ये कुछ वर्क देगा वर्क 2। क्वेश्चन पढ़ो। ऑल हीट गिवन अप बाय वन इंजन इज यूज बाय अदर इंजन टू प्रोड्यूस वर्क बिटवीन टेम्परेचर्स T1 एंड T2। टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर ऑफ द फर्स्ट इंजन इज T1, इसका टेम्परेचर T1 है, एंड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ऑफ सेकेंड इंजन इज T2, इसका टेम्परेचर T2 है।
हमें दे रखा है टी इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ द फर्स्ट इंजन, इसका टेम्परेचर टी है, जो पहले वाले का सिंक है दूसरे वाले का सोर्स है, कि यहाँ से हीट आएगी क्यू वन, यहाँ जाएगी क्यू टू, ये इसके लिए सोर्स का काम करेगा क्यू टू, ये इसका सिंक है क्यू थ्री। समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन कहता है हाउ इज टी रिलेटेड टू टी वन एंड टी टू, ये टी जो है ये टी वन और टी टू से कैसे रिलेटेड है, इफ बोथ द इंजन परफॉर्म्स इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। लो फिर डब्ल्यू वन जो होगा वो होगा क्यू वन माइनस क्यू टू, डब्ल्यू टू जो होगा वो होगा क्यू टू माइनस क्यू थ्री। क्वेश्चन में गिवन है डब्ल्यू वन को डब्ल्यू टू के इक्वेट करो, तो क्यू वन माइनस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू थ्री। लेकिन सर आपको पता है क्या, क्यू वन को आप लिख सकते हो के इंटू टी वन माइनस के इंटू टी, क्योंकि क्यू टू तो टी वाला टेम्परेचर है, इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस के इंटू टी थ्री। सब कुछ काटोगे तो आएगा टू टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी थ्री, या सॉरी टी टू है, ये नीचे वाला टी टू है, तो टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू। कैस्केडिंग खत्म, या मैं फिर से लिख देता हूँ अगर कट रहे तो, ये फिर से लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, तो टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू, टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू, खत्म यार। इजी क्वेश्चन, ज़्यादा लोचा नहीं रखना, क्लियर है सबके लिए, इजी क्वेश्चन है, ख़त्म यार। ये कार्नट में जितने भी बच्चों को टेंशन है सब खत्म। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या पाथ होता है? मीन फ्री पाथ इज दैट पाथ जो एक मॉलिक्यूल लेता है एक मॉलिक्यूल से टकराने के बाद, ताकि वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा पाए। इसका मतलब है अगर पहला मॉलिक्यूल है वो दूसरे से टकराया, फिर वो दूसरे से टकराने के बाद तीसरे से टकराया, तो दूसरे और तीसरे के बीच में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे मीन फ्री पाथ कह देते हैं, कि जितना डिस्टेंस वो बिना टकराए ट्रैवल किया है। आसान है यार, इसमें तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, जितना डिस्टेंस वो बिना टकराए ट्रैवल किया उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो मीन फ्री पाथ जो निकल कर आता है उसका फॉर्मूला डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वन बाय रूट टू एन पाई डी स्क्वायर, वन बाय रूट टू एन पाई डी स्क्वायर। एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है और हमारा वॉल्यूम वी है तो ये हो जाएगा। डी जो होता है वो होता है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि हमारा जो गैस मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल शेप है, तो ये डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हो जाता है। इतना याद रखना है, बात खत्म। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हार्ट से, कि भैया ये फॉर्मूला सर मेरे को याद है, रटा हुआ है, पूछ लो कभी भी, रात को उठा के पूछ लो, बता दूंगा। L इज इक्वल टू वन बाई रूट टू एन पाई डी स्क्वायर, याद करना है। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, वरना मैं नहीं कहता, हमारे टाइम पे नहीं आते थे इतने क्वेश्चन, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एनटीए को मजा आ गया इसमें, कि ये समझ में आना चाहिए, तो कर लेंगे। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, वही बात है क्या, कि भैया अगर आपका मीन फ्री पाथ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, सेकेंड से थर्ड के बीच में उसने मीन फ्री पाथ ट्रैवल करा है, तो कितना टाइम था, कितने टाइम के लिए वो बिना कोलिजन के था, तो वो जो आता है टाओ, उसे कहते हैं एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। वो होता है मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी होती है उसे आरएमएस वेलोसिटी से करते हैं, तो आता है वन बाय रूट टू एन पाई डी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट थ्री आर टी, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एम, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एम। अब आपको जो याद रखना है डिपेंडेंसी, देखो डिपेंडेंसी करते हैं, ध्यान से देखना। अंडर रूट टू तो कांस्टेंट ही रहेगा ज़्यादातर, पाई कांस्टेंट रहेगा, डायमीटर भी चेंज कहाँ कर पाएंगे, मॉलिकुलर मास भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसे मैं के लिख लेता हूँ, के बाय एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वी। थ्री भी कांस्टेंट होगा, आर भी कांस्टेंट होगा, अंडर रूट टी, या के बाय एन भी एक कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर मेरे क्लोज प्रोसेसेस होते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज नहीं होंगे ना, जब मास आ नहीं रहा, तो ये लिख लेता हूँ के डैश वी बाय रूट टी। आपको ये याद रखना है,
कि जो टाइम ऑफ कोलिजन का ज़्यादातर डिपेंडेंसी है वो है के डैश इंटू वी बाई रूट टी पे, वी बाई रूट टी पे, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/टाओ हो जाती है। वो नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1/टाओ हो जाती है, वो तो पता ही है 1/टाओ, तो अंडर रूट टी ऊपर पहुँच जाएगा, वी नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, एन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम खोल दिया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। 2020 जनवरी, बताओ द प्लॉट दैट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द मीन प्री फ्री टाइम, मीन फ्री टाइम वही टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, जब हमसे कुछ नहीं बोला तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मान लो, कुछ नहीं बोला तो टाओ जो है हो गया के बाय रूट टी, खत्म। तो अगर आपने 1/रूट टी को एक्स माना है, टाओ को वाई माना है, तो वाई इज इक्वल टू के एक्स, खत्म। क्या ग्राफ होगा? ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया हमारा सी पार्ट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया पक्का? लो, अंडर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, अब आया अंडर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, 2020 का ही है। अंडर एन एडियाबैटिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस गेट्स डबल, वॉल्यूम को डबल किया है, वॉल्यूम को डबल किया है। बच्चा एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल नहीं है, कुछ कहा नहीं है, तो टेम्परेचर चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा भैया, सही। कॉन्सिक्वेंटली द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन गैस मॉलिक्यूल चेंजेस फ्रॉम टी टाओ वन टू टाओ टू, चेंज होगा ही, बिल्कुल चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो हो गई। सी बी बाई सी वी गामा दे रखी है, तो हमें टाओ टू बाई टाओ वन निकालना है। तो ध्यान से देखो, टाओ जो था वो वी बाय अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल था, तो हमारे वाले में पी वी टू द पार गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली इक्वेशन फॉलो हो रही है, या टी वी टू द पार गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली इक्वेशन फॉलो हो रही है, या 1/टी के बाई टी इज इक्वल टू वी टू द पार गामा माइनस वन वाली फॉलो हो रही है, या 1/√t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पार गामा माइनस 1/2 वाली फॉलो हो रही है। तो वॉल्यूम की डिपेंडेंसी निकाल दी मैंने किससे, टेम्परेचर के अंडर रूट के डिपेंडेंसी से। तो अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो टाओ जो आएगा वो डायरेक्टली आएगा वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम की पावर गामा माइनस 1/2, या टाओ जो आएगा वो आएगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, गामा माइनस 1/2 प्लस 1, तो हो जाएगा गामा प्लस 1/2। अब टेम्परेचर की डिपेंडेंसी खत्म है, अब वॉल्यूम की डिपेंडेंसी पर डायरेक्टली आ गया है। तो अब क्या रहेगा, अब तो कुछ रह ही नहीं गया कि सर अगर आपकी वॉल्यूम डबल हो गई है तो टाओ टू बाई टाओ वन जो होगा वो होगा 2v/v की पार गामा प्लस 1/2, या 2 की पार गामा प्लस 1/2। नो आंसर मैचिंग सर, नो आंसर मैचिंग, मेंस का एक और मजा आजकल आंसर ही मैच नहीं करते, लेकिन थर्ड था आंसर, उल्टा लिख दिया था उन्होंने, उल्टा लिख दिया था। लेकिन हाँ, वो कभी कभार ऐसे होता है यार, कहते हैं कि अगर बच्चे को आता था तो ये टिक करना चाहिए था उसे, अगर उसे आता था तो ये टिक करना चाहिए था। तो यार ये सब चीज़ें हम नहीं जा रहे इसमें, लेकिन अगर आपको दिख जाए ऐसा आंसर और आपको कॉन्फिडेंस है, मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा उनके गलत होते हैं, कभी कभार आप गलत निकाल रहे हो, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि यार मैं तो सही कर रहा हूँ तो टिक कर देना। ये क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कॉन्फिडेंस आना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको लग रहा था कि मैं कर सकता था और वो सही था लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मेंस में गलत भी हो रहे हैं क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो वैसे तो जितना मुझे कराना था हमने कर लिया है, लेकिन थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं जो पहले मैंने बोली थी। जो NTA इतना इम्पोर्टेंट नहीं डाल रहा, लेकिन यार हर 4-5 साल में एक दो क्वेश्चन आ जाते थे, तो वो मैं लिखूंगा नहीं, मैं बस बता रहा हूँ जीरोथ लॉ क्या होता है, अपने आप करना है। टी ए इज इक्वल टू टी बी, टी ए इज इक्वल टू टी सी, सो टी बी इज इक्वल टू टी सी कर लो। इंटेंसिव क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सटेंसिव क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन मास। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी डेफिनेशन है ऐसी नहीं आती यार कि हर साल आ रहे हैं इनको क्वेश्चन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 साल में एक साल आ एक बार आ जाता है, तो अब आपकी किस्मत में अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो करना तो पड़ेगा ही यार, तो आप एक बार फिर से रिवाइज करो सारी चीज़ें। समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैंने कराया है दैट विल कवर योर 90-95% चीज़ें, आराम से दैट विल कवर 90-95% चीज़ें। इतना अगर आप ये PDF पढ़ लोगे,
रिवाइज कर लोगे, फॉर्मूले याद कर लोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत हो या छूटे बहुत मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है? चलो बच्चा, तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं यार। आई होप अच्छे से पढ़ रहे हो और मेंस में यार फोड़ कर आना सब। चलो ओके बच्चा, थैंक यू।